गुड फ्राइडे किस लिए मनाया जाता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे ही क्यों कहते हैं? हैप्पी फ्राइडे क्यों नहीं कहते? सैड फ्राइडे क्यों नहीं कहते? चलिए आज आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो और लाइक तो ठोक के ही जाना। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गुड फ्राइडे को जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया था, पर चढ़ने के बाद भी गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? आखिर गुड क्यों? वेल, वैसे तो गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग गुड का मतलब यहाँ पर पवित्र माना जाता है। जी हाँ, ये पूरा हफ्ता क्रिश्चियन धर्म के लिए बहुत ही मायने रखता है। इस हफ्ते को लोग पवित्र हफ्ता कहते हैं। बाइबल की माने तो जीसस सूली पर चढ़े क्योंकि वो मानवता के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहते थे। इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं, लेकिन ये दिन बहुत ही दुख का है, इसलिए जर्मनी में आज भी इस दिन को सोरोफुल फ्राइडे कहा जाता है, ना कि गुड फ्राइडे। क्रिश्चियन लोग ये पूरा हफ्ता जीसस के नाम ही समर्पित करते हैं और कई सारे फेस्टिवल भी मनाते हैं। इस हफ्ते के पहले संडे के दिन पाम संडे मनाया जाता है, और वो क्यों मनाया जाता है? इस संडे को जीसस जेरूशलम आए थे, जो कि यहूदियों का शहर है। वहाँ पर जीसस गधे पर चढ़कर आए थे क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ इस धरती पर सभी बराबर हैं। उनका यहाँ पर आने के बाद पाम की टहनियों से स्वागत किया गया, इसी वजह से यहाँ पर इस संडे को पाम संडे से सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी में इसे खजूर इतवार भी कहा जाता है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जीसस अपने आप को ईश्वर का पुत्र मानते थे। इन्होंने ईश्वर के करीब जाने के लिए क्रोध को समाप्त और क्षमा करने की बात को बढ़ावा दिया। जीसस ने अपने समय में बहुत से चमत्कार किए थे। जो लोग बीमार होते थे उनको वो ठीक कर देते थे। इस वजह से जीसस को मानने वाले अन्यायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहूदियों के नेताओं को जीसस की कुछ बातें बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। उनका मानना था कि जीसस जिस दिन बातों का प्रचार करते हैं वो हमारे धर्म में है ही नहीं। इतना सब होने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि अब जीसस को सूली पर चढ़ाना है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि जीसस को ये अंदेशा हो चुका था कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है। उनको ये चीज़ पता थी कि हाँ, हमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अपने अंतिम समय में जीसस ने अपने सभी शिष्यों के साथ भोजन किया, जिसको हम लास्ट सफ़र भी कहते हैं। इस समय सभी शिष्यों के जीसस ने खुद अपने हाथों से पैरों को धुला भी, क्योंकि वो मानते थे कि इस संसार में सभी लोग एक ही समान हैं। जब जीसस के शिष्यों को ये पता चला कि हमारे गुरु की मृत्यु हो जाएगी, तो वो अपने गुरु जी से पूछने गए कि आखिर ऐसा क्यों। तब जीसस ने बताया कि उनकी मृत्यु बहुत ज़रूरी है, इससे मनुष्य और ईश्वर के बीच का रिश्ता बनेगा। देखते ही देखते फ्राइडे का दिन आया और उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। लोगों में बहुत ही संताप का माहौल था। फ्राइडे बीतने के बाद सैटरडे को पूरा दिन संताप मनाया गया। उसके दूसरे दिन ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। इस ईस्टर के त्यौहार में सभी लोग एग को डेकोर करके त्यौहार मनाते हैं। एग को डेकोर इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ का मानना है एक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन जीसस पुनः जीवित हो उठे थे और कई लोगों ने उनको देखा भी था। फिर 40 दिन के बाद वो स्वर्ग सिधार गए थे।